नमस्ते, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 100 125 ग्राम इमली ली है, एक बाउल मैंने यहाँ पर शक्कर लिया है और एक डला मैंने यहाँ पर गुड़ का लिया है। तो मैं इन दोनों को डालूँगी और यहाँ पर मैंने पानी लिया है। पानी से मैं यहाँ पर 2 बार इमली को अच्छी तरह से धो दूँगी ताकि इसके अंदर की जो मिट्टी है वो बाहर आ जाए। और मैंने यहाँ पर बिना बीज वाली इमली का प्रयोग किया है और इस तरीके से मैं आज आपको खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि हम इस इमली को धो देते हैं। और आपको याद रखना है 2 से 3 बार इसको धोना है ताकि इसकी मिट्टी जो है वो बाहर आ जाए। यहाँ पर ये एक बर्तन लिया है और इस बर्तन के अंदर मैं अपनी इमली डालूंगी। तो इस बर्तन के अंदर मैंने ये इमली डाल दी है। तो अब ये पानी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इस इमली को अच्छी तरह से मैं 1 या 2 बार या 3 बार धो दूंगी। इस तरीके से हमें धोना है और इसके अंदर की जो भी मिट्टी होती है आप देख सकते हैं, इसकी जो गंदगी होती है वो हमें बाहर निकाल देनी है। लेकिन इससे पहले हमें इस तरीके से इस इमली को धो देना है ताकि इसके अंदर की जो मिट्टी है वो बाहर आ जाए। ऐसा हमें 2 से 3 बार करना है। तो अब मैं ये सारी इमली बाहर निकाल दूंगी ताकि इसका गंदा पानी जो है वो इसके अंदर रह जाए। तो मैंने इसका गंदा पानी बाहर फेंक दिया है, फिर से मैंने पानी चेंज कर दिया है और हम अब अपनी इमली इसके अंदर डालेंगे। और ऐसा आपको 2 या 3 बार करना है ताकि इसकी मिट्टी जो है वो निकल जाए। तो मैंने इस इमली को 2 या 3 बार धो दिया है और अब हम अपनी इमली को, ये मैंने यहाँ पर एक तपेली ली है उसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है और गैस मैं ऑन कर दूंगी। और जैसे ही हमारे पानी में उबाल आएगा हम ये इमली इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में हमारे उबाल आ गया है और ये पूरी तरह से उबल चुका है और अब हम इसके अंदर अपनी इमली डालेंगे। सारी इमली मैंने डाल दी है और अब ये इसके अंदर अब हम अपना ये गुड़ डालेंगे। गुड़ भी मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे जैसे पानी उबलेगा इमली गुड़ साथ में उबलेंगे। और हमने जो एक प्याला चीनी ली थी वो चीनी भी इसमें डाल देंगे। मुझे यहाँ पर खट्टी मीठी इमली की चटनी बनानी है इसलिए मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया है। तो पानी और इमली गुड़ सब उबल रहे हैं और हमें इसे बीच बीच में चलाना है ताकि इमली जो है वो पूरी तरह से आपस में और गुड़ के साथ मिक्स हो जाए। और गैस को अब हम धीरे कर देंगे और इसे कम से कम 15 मिनट तक उबलने देंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी ये इमली की जो चटनी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबाला था। उबालने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था और 2 से 3 घंटे के लिए मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और मैंने इसे तब तक उबाला था जब तक कि इसका पानी आधा न रह जाए। उसके बाद आप अपनी इमली को यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लें और उसमें छान लें। तो मैं अपना सारा इमली का पल्प इसमें डाल दूंगी और यहाँ पर मैंने नीचे एक बर्तन रख दिया है और फिर इसे अच्छी तरह से मिसल कर
और इसका यहाँ से सारा पल्प निकाल दूंगी। और यहाँ पर इसका पल्प निकालने के लिए मैं यहाँ से इस तरीके से इसको, चूंकि मैंने इसे उबाला था इसलिए बड़ी ही आसानी से और सरल तरीके से सारी बाहर आ जाएगी। तो मैंने ये सब निकाल दिया है और इसे एक दो बार मैं आधा आधा कप पानी में फिर से धोऊंगी और उस इसका जो सारा रस है वो इसमें ले लूंगी। इसे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, मैंने आधा कप से ज़्यादा पानी नहीं लिया है, और इस तरीके से करके ये आप देख रहे हैं मैं इसका ये सारा रस ले लूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ये खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार करी है। आप इसे गोलगप्पे के साथ, कचौरी के साथ और भेल के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा रखा है ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तो जब भी आपको खाना हो तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे पतला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार की है। तो इस तरीके से मेरी ये खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए, और याद रखिए बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए, और जब चाहें तब आप इसे पानी डालकर पतला कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ एक तरीका बताया है, आप इसे कम या ज़्यादा गाढ़ा रख सकते हैं। इसे कचौरी के साथ, बेल के साथ, और आप जिससे भी खाना चाहें इस चटनी को खा सकते हैं। तो ये मेरी खट्टी मीठी इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है।